टू यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिविजन भले ही कुछ पढ़ा नहीं है सच हमने लेकिन वो हैबिट हमें क्या करनी पड़ेगी रोज पुटअप करनी पड़ेगी एंड लेट सी कि आप कहा तक पहुंच पाते हो चैप्टर के कितने पार्ट थे बेटा कोई देखकर नहीं बोलेगा कॉपी लेकर आए ना सब लोग आज हाँ ठीक है चैप्टर के तीन पार्ट थे एक तो था कम... दूसरा कंट्रोल और तीसरा तीसरा था ऑडिट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? हार्ट डेटा प... पी, ठीक इन इन लोगों को रिस्क होती हार्डवेयर को रिस्क होती सॉफ्टवेयर को रिस्क होती उसको कम करने के लिए क्या लगाते हैं कंट्रोल एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज कॉल्ड एस कंट्रोल आपको इस चैप्टर में कंट्रोल्स के एग्जाम्पल सिखाए जाएंगे कि कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने चाहिए ठीक है सो so, कंट्रोल के एग्जाम्पल देने के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम कंट्रोल को तीन पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ सेस और ऑन दशन ठीक है ऑब्जेक्टिव आई एस रिसोर्सिस ऑडिट फंक्शन ठीक है मुझे अभी ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है मुझे ऑडिट फंक्शन से मतलब नहीं है आई एस रिसोर्सिस आई एस रिसोर्सिसंपोनेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क इनको रिस्क है इनको हार्म पहुंचाने कोई कैसे आ सकता है Physical, logical, environmental. ठीक है, फिजिकल लॉजिकल एनवायरमेंटल ओके नॉट विजिबल ऐसा करके तो नहीं है बेटा प्लीज वापस से ज्वाइन कर लीजिए क्या हो गया बेटा फिजिकल लॉजिकल एनवायरमेंटल हमने कौन सा चालू किया था एनवायरमेंटल मैं करना नहीं चाहता था कल इससे चालू लेकिन अब क्या करूं कल मेरे पास टाइम कम था आग से बचाएंगे पानी से बचाएंगे पावर से बचाएंगे डस्ट से बचा तो हमें किस किस रिलेटेड कंट्रोल लगाने फायर देन किस रिलेटेड वाटर देन तीसरा पावर और चौथा था डस्ट अच्छा ये सब मैंने क्यों किया मालूम मैं ये आग से बचाने देते थे इसलिए क्वेश्चन याद हो तुमको है ना हमको मेन क्या याद रखने क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन याद रहेंगे तो हम इजीली एग्जाम में उसके आंसर्स लिखकर आप आएंगे मन से पॉइंट लिख रहे नहीं कर पाएंगे। हमें मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया स्ट्रेट uh, फॉरवर्ड आते कोई घुमाओ फिराओ नहीं कोई केस स्टडी नहीं इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले याद करवाने की कोशिश करता हूँ कोई भी थेरी पढ़ो। आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट में या उस जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई सा भी सब्जेक्ट जो थेरी है उसका जो चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको उसके कंटेंट्स पता होना चाहिए फिर उस एक एक कॉन्टेंट पे लेकर उस एक एक कॉन्टेंट पे फोकस करके आगे बढ़ते जाओ और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे का भी क्या करते जाओ रिवाइज ये ये फंडा कोई भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे आपको थ्योरी भी आसान लगने लगेगी जैसे आप लोग प्रैक्टिकल में मेहनत करते होंगे दो तीन बार सॉल्व करके देखते होंगे मैं ऐसे चार्ट्स बना बना के, चार्ट्स बना 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 के के थ्योरी की क्या करता था प्रैक्टिस मेरे को थ्योरी अच्छी लगती थी और थ्योरी में मेरे को स्कोरिंग करने का ज्यादा मेरे को चांसेस लगते थे तो मैं थ्योरी में ऐसी प्रैक्टिस करता था जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो भैया वो प्रैक्टिकल पे मेहनत करे थ्योरी पे थोड़ी क्या करे कम करे जो रैंक ला रहे उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो सब पे मेहनत करेंगे वो गलत भी लिख के आएंगे तो उनकी किस्मत में लिखा है उनको कहीं ना कहीं से रैंक आई जाएगी उनके पास है वो ऊपर गॉड गिफ्ट है वो किससे भी पढ़े कुछ भी करे मैं रैंकर की बात नहीं करूं मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा आपको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए कि आप ज्यादा अच्छा कहां पर करते चलो पानी से रिलेटेड कंट्रोल दोस्तों वाटर से रिलेटेड कंट्रोल पहला कंट्रोल था भैया देखो ऐसे इस सीक्वेंस वॉटर प्रूफिंग करेंगे है ना है ना वॉटर प्रूफिंग करेंगे वॉटर प्रूफिंग किसकी करेंगे सीलिंग्स वॉल्स और फ्लोर्स के अलार्म लगाएंगे वाटर अलार्म एंड अलार्म लगाएंगे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लगाएंगे ठीक है फिर फ्लड एरिया में क्या करना चाहिए नॉट नॉट ऑन ऑन बॉटम फ्लोर फ्लोर टॉप समवेयर इन मिडिल और एक और एक पॉइंट था पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम अब बताओ याद थे पॉइंट्स आपको है ना ऐसा आप रोज की तरफ याद रहेंगे तो क्वेश्चन अभी इजी चल रहे लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब हम पावर से बचाते दे दोस्तों पावर मतलब क्या बिजली बिजली से बचाना है तो सर बिजली से क्या हो जाएगा ऐसा क्या करेगी बिजली हाँ एक शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं ना एक क्या बोले शॉर्ट सर्किट ठीक है बिजली क्या करेगी शॉर्ट सर्किट कर देगी और क्या पावर कट हो जाएगा है ना पावर कट हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा बंद हो जाए देखो जनरली कभी वोल्टेज वैसे अपन को ये वोल्टेज वोल्टेज में जाना नहीं है है ना एम्पियर करंट परंट में जाना नहीं है बस अपन को याद रखने के लिए कि ठीक है है यार ये चीज होती है। वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है वोल्टेज कम भी हो सकता है तो यू नो वन डिवाइस इज इज देयर दैट स्टेबलाइजर है ना आपने सुना होगा उसके बारे में स्टेबलाइजर लगाते लोग आपके घर में भी आपने देखोगा एमसीबी भी होती है है ना एकदम पावर में ज्यादा वोल्टेज आता है तो आग लगने की चांसेस होते हैं शॉर्ट सर्किट के टाइम पर वो एमसीबी गिर जाती है पूरे कनेक्शन को क्या करती है काट देती एसी के पास आप देखोगे वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है रेफ्रिजरेटर के पास क्या लगाता है रौड़... पहले तो वो अलग से लगाते थे लेकिन अब डिवाइसेस में क्या आते हैं इनबिल्ट नाउ देर आर इनबिल्ट सो पावर से बचाने के लिए हम देखते हैं पावर चला जाएगा दोस्तों पावर चला जाएगा तो उसका एक कंट्रोल भी बता सकते है? बहुत सिंपल है पावर चला जाएगा तो उसके लिए क्या कंट्रोल लगाना चाहिए हा अच्छा जनरेटर यूपीएस भी लगा सकते अगर छोड़े टाइम के लिए बैकअप चाहिए तो क्या लगा सकते हैं यूपीएस लेकिन सर्वर है तो सर्वर में यूपीएस काम नहीं आएगा क्योंकि उसका पावर सप्लाई कुछ कम टाइम के लिए रहता है तो क्या लगाएंगे जनरेटर तो देखो अपन आते हैं मॉड्यूल में और मॉड्यूल में एक पॉइंट लिखा है पावर रिलेटेड कंट्रोल में पावर रिलेटेड कंट्रोल में एक तो आएगा यूपीएस और एक क्या आएगा जनरेटर देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए अटेम्प्ट करना आसान क्यों बताए क्योंकि इसमें क्या आ गए

ठीक है एनवायरमेंटल कंट्रोल देर आर वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देर इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट इनको क्या कर सकता है हार्म पहुंचा सकता है और फिर उसको अपन ने एक्सप्लेन करना क्या किया चालू किया कोई भी क्वेश्चन लिखा इंट्रोडक्शन पहले लिखना है उसके बाद अगर पॉइंट्स है तो उस पॉइंट्स को क्या कर दीजिए चार्ट में लिख दीजिए और फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चालू किए सर कितने पॉइंट लिखने होते हैं एग्जाम में कितने पेज भरने होते हैं तो पेज तो भरना ही नहीं होता भाई पेज भरना नहीं होता मैक्सिमम मार्क्स जो का क्वेश्चन जो आता है वो छह नंबर का होता है तो छह नंबर में कितने लिखना चाहिए चार है है तो 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 भी भी अगर पॉइंट पॉइंट कहां पूछ लिया में तो कितने लिखोगे चार। जो मॉड्यूल में उससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है लेकिन हाँ अगर मान लो कहीं आठ पॉइंट है कहीं दस पॉइंट है किसी क्वेश्चन में तो हमें छह तो बेस्ट करने हैं एग्जाम में वो लिख के भी देते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं बस छह पॉइंट्स लिखने हैं लेकिन आप ज्यादा लिख के आना अब छे की जगह कितने प्रिपेयर करो आठ प्रिपेयर करो बाकी के दो तीन को एक्सप्लेन मत करो भला ही। लेकिन आप लिख कर जरूर आओ आपको पता। उसको पता होना चाहिए हर चीज का क्या है नॉलेज है कोई पॉइंट उन्नीस बीस भी हो गया तो आपको वो नंबर क्या करेगा दे देगा ठीक दे, है अब देखो मेरे को एक वर्ड याद है यूपीएस जनरेटर का यूज कब करते हैं मालूम है इन केस ऑफ पावर फेलियर देखो वर्ड याद रखना क्या होगा इन केस ऑफ पावर फेलियर तो यू, ये यूपीएस क्या करेगा बैकअप प्रोवाइड करेगा है ना इलेक्ट्रिकल पावर का क्या प्रोवाइड करेगा बैकअप प्रोवाइड करेगा अंदर का कोई भी रटने की कोशिश ना करे, कोई भी किसी से भी नहीं होगा मुझसे भी नहीं होगा मैं हर क्लास को पढ़ाऊंगा तो हर बार अलग सेंटेंस बनाऊंगा लेकिन मुझे कुछ वर्ड्स याद हो जाते पावर का बैकअप के लिए हम यूपीएस जनरेटर का यूज करते हैं पावर फेलियर के टाइम पे यूपीएस जनरेटर क्या आता है काम आता है सो so, आप अगर पावर से रिलेटेड कंट्रोल लिख रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखना यूपीएस और जनरेटर और बेटा लिखते जाना लिखने से दिमाग में छपने की संभावना बढ़ेगी और सुनो कोई और थोड़ा डिटेल में जाना चाहता तो यहां पर लिखना बस यूपी जनरेटर क्या गे? एक वर्ड केस ऑफ पावर फेलियर केस ऑफ पावर फेलियर केस ऑफ पावर फेलियर बट इतने डिटेल में जाके कोई तैयारी करता नहीं है ना अंदर का कोई इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ता नहीं बट हम ट्राई करेंगे कि यार हम थोड़ा और अच्छा लिख कर आए लोगों से अगर हम हंड्रेड परसेंट मेहनत करेंगे तो फिर बेनिफिट भी आपको मिलेगा और आपको पता नहीं चलेगा आपकी लैंग्वेज कब मॉड्यूल की जैसे हो जाएगी अभी तो ये दूसरा दिन है ऐसे ये चैप्टर को चलेंगे 15, 20 दिन 15, 20 दिन रोज इन चीजों का क्या होगा मैं तो आप भी क्या करोंगे? करोंगे. इतने मल्टीपल रिविजन के बाद देखना एक दो क्वेश्चन तो तुम्हारे को ऐसे आएंगे जो तुमको पूरे के पूरे क्या है याद है ऐसा होगा क्योंकि अगर मेहनत करते तो थोड़ा लक भी हमारे फेवर में साथ देता है अच्छा दोस्तों Uh, कभी कभी ना वोल्टेज ज्यादा हो जाता है जनरली कितने वोल्ट 420 अबे 220 420 दो झटका लगता है बेटा 220 सौ बीस वॉट जनरली क्या होते हैं जो हमारे अप्लायसेज बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं 220 सौ बीस वॉट के लिए जो जाते हैं दो सो वॉट दो सौ बीस वॉट सम वोट इक दिस कभी कभी पावर में क्या आता है स्पाइक आता है पावर में स्पाइक आता है मतलब वोल्टेज क्या हो जाता है बढ़ गया है ना स्पाइक आया एकदम से अब वो स्पाइक क्या होगा वो वायर में अब ये सर ऐसा क्यों होता है जैसे ना मान लो कि आपके जो सर्वर रूम में किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है तो वहां पर क्या होगा एकदम से लाइक सारी इक्विपमेंट मशीन वगैरह ऑन हो गई तो वोल्टेज वहां पर क्या हो जाता है कम लेकिन सब एकदम से बंद हो गई तो फिर एकदम से उस एरिया में सप्लाई क्या हो जाता है बढ़ जाता है सो so, बिजली वगैरह भी गिर सकती है ना बिजली वगैरह भी गिर सकती है तो यह सब चीजें हो जाती है कभी कभी ट्रांसफार्मर में बिजली गिर गई वो ट्रांसफार्मर फट गया और फिर सप्लाई एकदम से क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है पावर में स्पाइक आ जाता है है ना तो पावर में स्पाइक आ जाता है यानी उस स्पाइक को कम करने के लिए उस स्पाइक को कम करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं सर्च प्रोटेक्टर क्या कहते हैं उसे सर्च प्रोटेक्टर इनकेस ऑफ पावर स्पाइक क्या बोला बेटा मैंने इनकेस ऑफ पावर स्पाइक

इन केस ऑफ स्पाइक देखो ये वर्ड याद रखना इलेक्ट्रिकल सर्च प्रोटेक्टर किस केस में बचाते हैं हमको ये स्पाइक के केस में बचाते हैं. ये अलग से भी ले सकते हैं यूपीएस में भी आते हैं बेटा क्या होता है अलग से भी ले सकते हैं यूपीएस में भी बिल्ट इन बिल्ट आते हैं तो यूपीएस के दो काम भी हो सकते हैं। अब अच्छा वाला यूपीएस लोगे तो एक काम क्या करेगा वो पावर बैकअप भी प्रोवाइड करेगा और साथ में सर्च को भी क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा सर्च से भी बचाएगा पावर स्पाइक से पावर में स्पाइक आया चलो पावर रिलेटेड पहला कंट्रोल दोस्त अगर आप किसी सर्वर में जाएंगे देखने के लिए तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भैया वहां पे यूपीएस है और जनरेटर देखो सर्वर रूम की बात तो दूर छोड़ो हमारे लिए भी सिस्टम इंपॉर्टेंट है एकेडमी में भी क्या है यहाँ पर भी इन्वर्टर लगा रखा है दैट इज फॉर यूपी और, और नीचे भी क्या लगा रखा है जनरेटर लगा रखा है सो so अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग को सप्लाई करना होगा तो फिर यूपीएस और इन्वर्टर काम नहीं आते फिर क्या काम आते हैं जन जनरेटर्स वगैरह काम में आते हैं तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्या रखते हैं क्षमता रखते हैं पावर स्पाइक आएगा सच प्रोडेक्टर पावर स्पाइक आएगा सच प्रोडेक्ट अच्छा पावर कम ज्यादा होगा ध्यान से सुनना पावर क्या हो सकता है बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है अच्छा अगर पावर बढ़ गया तो हमको तो क्या बचा लेगा सर्च प्रोटेक्टर बचा लेकिन कम हो गया तो नहीं उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है वोल्टेज रेगुलेटर केस ऑफ पावर फ्लक्चुएशन क्या बोल रहा हूं बेटा बेटा देखो पावर स्पाइक होगा तो क्या करेंगे दोस्तों पीछे वालों पावर स्पाइक होगा तो क्या करेंगे सर्च प्रोटेक्टर और अगर हमको डर यह है कि भैया देखो यह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके एरिया में क्या होता है ज्यादा सर्ज आता है कि वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है अगर वोल्टेज क्या होता है कम ज्यादा होता है तो फिर क्या यूज करना वोल्टेज रेगुलेटर्स ठीक है वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर्स इन केस ऑफ पावर इनकेस इंक्रीज अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज इन पावर अच्छा पावर स्पाइक पावर स्पाइक एवरी वन पावर पावर में स्पाइक आएगा क्या यूज करेंगे सच प्रोटेक्टर पावर चला जाएगा यूपीएस और जनरेटर पावर कम ज्यादा होगा है ना अच्छा कभी-कभी क्या होता है बहुत बड़ा स्पाइक आता है बहुत बहुत बड़ा स्पाइक बहुत स्पाइक ज्यादा उस केस में न, सर्च प्रोटेक्टर भी काम नहीं आता। का काम है ना तो में भी अप्लायसेस डैमेज हो सकते इसलिए हम एमसीबी वगैरह का यूज करते हैं फ्यूज वायर जिसको आप कहते हो ना जब ज्यादा एकदम से करंट सप्लाई हो जाएगा तो फ्यूज वायर आएंगे फ्यूज वायर टूट जाएंगे और फिर वो करंट को आगे सप्लाई होने से क्या करेंगे रोक देंगे ठीक है तो ये होता है सर्किट ब्रेकर्स है ना यहां पर आप अब देखो सर्किट ब्रेकर को, को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया उन्हें किसको एक्सप्लेन किया है वोल्टेज रेगुलेटर को किया है तो आप लिख लो इन केस ऑफ ह्यूज स्पाइक ये कब यूज होता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ ह्यूज स्पाइक बहुत ज्यादा स्पाइक है अच्छा एक फर्क है सर फिर हम तो ना एक काम करते हैं हम तो हमेशा क्या करते हैं फ्यूज ही यूज कर लेते हैं देखो फ्यूज यूज करेंगे तो वो सप्लाई रोक देगा और आपके डिवाइस क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे सच प्रोटेक्टर आपके डिवाइस बंद नहीं होने देता वो एक्स्ट्रा करंट को सीधा क्या कर देता है अर्थ करता है आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम भी चलता रह जाएगा ठीक है सो so, अब फिर वो आँग... ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं बस कि एज बीइंग अ अटेड अकाउंटेंट हमें इतना ज़्यादा टेक्निकल होना नहीं पड़ता बट यस आप प्रीमाइसिस में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार सर्वर का इनके पास ये यूपीएस जनरेटर की प्रॉपर कैपेसिटी है या नहीं है फिर सर्च सर्च है या नहीं तो सब लोग लगा के रखते हैं ऐसा कुछ खास बात नहीं है बट ठीक है हमें थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए इन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए एंड जिसने भी ये सब्जेक्ट के बारे में ये सोचा कि भैया यार ये सब्जेक्ट तो बहुत टेक्निकल है यू विल फाइंड इट कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है बहुत रियल है बताओ ना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा हमने अभी की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब पूरे चैप्टर पूरे सब्जेक्ट में हो सकता है आठ दस पेज ही ऐसे होंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड बाकी सारी चीजें एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट ही है इसके अंदर एंड दोस्तों इनने कहा है कि एक इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच भी होना चाहिए ऑनलाइन वालों सुन रहे हो मेरी बात क्या होना चाहिए इमरजेंसी पावर ऑफ कोई बता सकता है इसका यूज क्या आता है एमरजेंसी पावर एकदम हाँ आग लगती ना जब एकदम से आग लगती तो लाइट जली तो और आग फैलने की संभावना होती है आपके बाद ऐसा बटन तो होना चाहिए कि जब आग लगी है तो वो बटन दबाए तो पूरे बिल्डिंग की लाइट क्या हो जाए चले जाए इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच है ना तो जंगल में आग लगी तो क्या करेंगे भागो बच्चों भागो थोड़ी करेंगे जंगल में आग लगी तो सबसे पहले क्या करना है पावर ऑफ करना है एमरजेंसी पावर ऑफ स्विच इमरजेंसी इवेक्यूएशन में काम आता है अच्छा इनने भी ये कहा है कि पावर ऑफ स्विच है ना शुड बी एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन का है दोस्तों ऐसा क्यों कहा इन जहां आग लगी है तुमने वही बटन लगा रखा है इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच तो वहां जाओगे कैसे तो एवरीथिंग शुड बी एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ठीक है हो गया चलिए एवरी वन बड़ा बड़ से पावर से बचाएंगे पावर से बचाएंगे पावर चला जाएगा इन केस ऑफ पावर फेलियर यूपीएस और जनरेटर पावर में स्पाइक आएगा सर्च प्रोटेक्टर इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन और आग लगेगी तो इमरजेंसी पावर ऑफ सुच सुच ठीक है भैया हो गया ये भी हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया दो क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर अब आते हैं डस से बचाएंगे नहीं ये चलो ठीक है बचा लेते डस से यार एक बात बताऊं इंस्टीट्यूट की गलती यार ये 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 वाला जो पॉइंट दिया है ना पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया है ना बेटा यार ये कहीं से कहीं तक तो पोल्यूशन का पॉइंट नहीं है ये तो पावर वाला पॉइंट है

जैसे uh, टाटा पावर है और रिलायंस पावर है आपने रिलायंस पावर से इलेक्ट्रिसिटी ले रखी है लेकिन कभी उनका ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो फिर क्या होगा दिक्कत हो जाएगी तो बेटर है कि आप क्या करो रिलायंस पावर से ले रखा तो टाटा पावर से भी ले लो दोनों से आप क्या ले लो सप्लाई ले लो जैसे आप दो वाईफाई रख लो घर में या फिर आपके पास दो सिम है तो दोनों सिम के अंदर आपने क्या करा रखा है नेट का रिचार्ज चलो तो एक जगह प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी जैसा कहीं घूमने जा रहे हो तो फिर यार कहीं जियो चल जाएगा कहीं चल जाएगा ऐसा करते नहीं करते हो हो नहीं इसलिए हम क्या कर सकते हैं पावर के केस में अगर किसी को जनरेटर नहीं लगाना है तो फिर वो क्या कर सकता है दो सब स्टेशन से क्या ले सकता है पावर दोनों ही एक साथ फेल होंगे इसकी संभावना क्या है कम है ठीक है पावर लीड फ्रॉम टू सब स्टेशन ये वाला पॉइंट लिखना कहां चाहिए बच्चों पावर में या ना ये पावर में आएगा पता नहीं मैं क्या बोलू इनको। यहां आप चाहो तो लिख सकते हो पावर लीड फ्रॉम टू सब स्टेशन लेकिन क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो उसके पास यही चार पॉइंट होंगे तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला पॉइंट यहां लिखा है बट वो किसका पॉइंट है इस पावर वाले का पॉइंट है इसलिए ना फ्रॉम टू सब स्टेशन वाला सही में लिख रहे ना ईमानदार सिर्फ सुन तो नहीं रहे क्योंकि सुनी हुई चीजें ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं ठहरेगी अच्छा डस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए डस से बचाने के लिए क्या अरे बोलो ना क्या करना चाहिए अच्छा कवर करना चाहिए चलो कवर लगा के लेमिनेशन ठीक है भैया और कुछ बताओ कवर कर लेंगे क्लीनिंग भाई सबसे सबसे सिंपल रेगुलरली क्या हो रहा होना चाहिए क्लीनिंग होना चाहिए डस्टिंग होना चाहिए रेगुलरली क्लीनिंग हो डस्टिंग हो और चकनावकना है ना वो सर्वर रूम में अलाउड नहीं होना चाहिए मतलब आप चिप्स वहां खा रहे हो दाने वहां खा रहे हो तो फिर वो क्या होता है चिप्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट के वो सिस्टम में क्या हो जाएंगे जब क्या आप लोग क्लास में खाना खाते इसलिए हम लोगों ने ये लगाया देखिए ना बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि इससे क्या होता है कंप्यूटर खराब होने की संभावना बढ़ती जितनी धूल होती है उतने अगर धूल 10 हमारे लिए क्या है ये सिस्टम सिंपल सा सिस्टम है ज्यादा महंगा नहीं खराब भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा लेकिन यही चीज एचडीएफसी के लिए बहुत दिक्कत का काम दे सकती है तो ये देखिए ये लिखा है प्रोहिबिशंस अगेन ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग within information processing facility तो तो कोई सिगरेट वगैरह भी नहीं पीना है सिगरेट का ऐश वहीं गिरा रहे वो ऐश जाके जमेगी कहां सिस्टम में ठीक है सो so, देखो इसमें ना एक ही चीज लिखी है पर ये वैसे आएगा नहीं एग्जाम में उसका रीजन मैं बताता हूं एग्जाम में वही वही क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पॉइंट्स होते हैं ये मेरा ऑब्जरवेशन है पिछले 8 9 साल से इसलिए ना इसलिए आईएमपी देना और आसान हो जाता है क्योंकि जिसमें पॉइंट्स नहीं है वो आईएमपी का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा और उसके आने के क्या है चांसेस है ठीक है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं हम पढ़ेंगे पूरा बट एक हिंट दी मैंने आपको याद रखने कि याद रखना इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं पैराग्राफ है तो सब अपने अपने हिसाब से लेटेंगे एग्जाम में तो भैया वो कॉपी चेकर का दिमाग भी तो खराब होगा उसको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी उसके लिए आसानी क्या होगी कॉपी चेक करने में जब पॉइंट हो तो भैया वो वही देख कर क्या देगा मार्क्स इस वजह से इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों ज्यादा पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछती है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते भी है तो दो नंबर से ज्यादा इसकी औकात नहीं होती ठीक है भाई डस्ट से बचाएंगे तो डस्टिंग लिख लो क्लीनिंग लिख लो डस्टिंग क्लीनिंग और ईटिंग शुड नॉट बी अलाउड ईटिंग ड्रिंकिंग शुड नॉट बी अलाउड स्मोकिंग शुड नॉट बी अलाउड इसलिए बहुत जगह स्मोकिंग रूम बना देते जिनको फूकना है फूको अंदर जाके खुद के सिगरेट का धुआं भी अंदर लो सामने वाले का धुआं भी अंदर लो एक साथ बीस पच्चीस लोग पच्चीस सिगरेट का धुआं अंदर लो एंजॉय करो नाटा में नहीं है बेटा नाटा में इतने फूकने वाले नहीं ना डन <laughs> ऑनलाइन वालो चकने के बाद तो काम हो सकता है ना बेटा चकने के साथ पीना नहीं हाँ। ड्रिंकिंग से देखो क्या होता है जब लोग ड्रिंक करते ना तो साथ में कुछ चाहिए होता है उनको <laughs> तो सीधा ड्रिंक करेगा क्या मुश्किल है फिर वो क्या होगा जब ड्रिंक भी है तो फिर खाने की भी इच्छा होगी फिर चिप्स तोड़ेंगे तो अब लड़खड़ाएगा हाथ तो फिर गिरेगा भी सही देखो एक बात बताता हूँ अपने इंडिया में ना अपने इंडिया में कल्चर नहीं दारू पीने का ऑफिस में लेकिन बाहर है ना जो मेरे दोस्तों बाहर है उन लोगों के तो कैबिन में दारू रखी रहती है जाते हैं फ्रिज खोलते दारू पी के काम करते उनके वहां ऐसा नहीं है कि भैया दारू पीना नहीं अलाओ वो पी के काम करते क्योंकि वो लोग सभ्यता से पीते अपने वहां के लोगों को अगर ये चांस दे दिया ना तो कौन काम पड़ा रहेगा ये नहीं मालूम भाई और काम गया भाड़ में इसलिए इंडिया में ऐसा नहीं होता और ये फॉरन ऑथर की बुक है रॉन वेबर नाम है उसका इस वजह से वहां से जो कॉन्टेंट कॉपी किया तो थो थोड़ी बातें वो वहां के एंगल से बोल बताता है बेटा, क्या बोल रहा है यार तू हाँ ये सब मेरा जनरल नॉलेज है बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ी बताता हूँ आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूंगा समझना मेरा जनरल नॉलेज है आप मुझे उसका मतलब ना कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है ये सब बातें ऐसे कर रहा है आग से बचाएंगे हे हे हे, हे, हे। दोस्तों <laughs> भुवन बम हाँ चलो आग से बचाते धीरे बोलू एक सेकेंड हाँ, वो लिख नहीं मत यार वो वो पॉइंट लेकिन अब कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या कर? पूछेंगे ही नहीं पहली बात मैंने आपको बोल दिया क्योंकि उसमें पॉइंट ही नहीं है ना इस वजह से अब कुछ कुछ जगह तो मालूम है एक ही क्वेश्चन के तीन आंसर एक जैसे सेकंड चैप्टर है तो उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस करके है

अच्छा आग से बचाने के लिए दोस्तों देखो बहुत सारे कंट्रोल दिए हैं आग से बचाने के लिए अपन है ना पहले कुछ कुछ ऐसे कंट्रोल जो आप भी जानते हो दोस्तों कुछ ऐसे कंट्रोल जो आप भी जानते हो सबसे पहला कंट्रोल क्या लगाएंगे आग से आग लगेगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अच्छा फायर अलार्म होना चाहिए भैया देखो फायर अलार्म फायर अलार्म फायर अलार्म फायर अलार्म ढूंढो रे है क्या ये रहा फायर अलार्म ना सुनो अंदर का भी थोड़ा बहुत तो पढ़ लो दो दो टाइप के अलार्म यूज कर लो कौन कौन से सर ऑटोमेटिक ही तो मैनुअल क्यों हाँ हशियार बच्चे ऑटोमेटिक काम नहीं किया तो मैनुअल बजाएंगे ठीक है ऑटो भी हो और मैनो भी हो मैनो फायर अलार्म फिर दूसरा देखो अलाम तो बस आपको चेतावनी देगा और आग लग गई बताएगा आपके पास आग बुझाने का समाधान भी तो होना चाहिए फायर एक्सटिंग बहुत डिफिकल्ट फायर एक्सटिंग फायर एक्सटिंग रहा बेटा फायर एक्सटिंग्यूशर क्योंकि मिल गया मैं एक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आग से चलो सिस्टम सिस्टम जल जाए जाये, चल जाएगा इंसान नहीं जलना चाहिए है ना तो आग से हमको देखो कंप्यूटर के कंपोनेंट में इंसान भी आते हैं अभी तक ऐसे कोई कंप्यूटर नहीं आया जहां पर सिर्फ इंसानों के बिना ही वो काम कर रहे हैं वो दुनिया ही अलग होगी अगर आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी हो दोस्तों तो मजा आएगा मैट्रिक्स कभी आपने सुना उस मूवी के बारे में उसमें पूरे कंप्यूटर्स ने, AI's ने हमको, ह्यूमन को क्या कर लिया है, टेक ओवर अलग है प्रॉब्लम तो so, हो सकती है तो आग लगने में ये मत सोचना कि हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बचाना है डेटा को बचाना है हमें लोगों को भी बचाना है तो फायर एक्सटिंग फायर एक्सटिंग लगा के रखो दोस्तों अच्छा फायर एक्सटिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे होने चाहिए ऑब्वियसली बातें जो चीजें आप फायर अलार्म भी कुछ भी हो फायर अलार्म हो या फायर एक्सटिंग्विशर हो हर कोई सही जगह पे लगाना अपनी एकेडमी में भी लगाए अपनी एकेडमी में भी लगाए देखा है कि नहीं नहीं देखा वो गेट है ना गेट वो गेट के बाहर जस्ट आप देखना वहां भज करके वहां फायर एक्सटिंग्विशर लगे चलते नहीं चलते ये नहीं मालूम लेकिन लगे जरूर है फायर एस्टिंग यूशर हाँ वो बिल्कुल वो ध्यान रखो भाई फायर एक्सट्रिंग यूशर सही होने चाहिए एक्सपायरी वाले नहीं होने चाहिए प्रॉपर इजीली सब लोगों को उसको यूज का पता चला फायर एक्सट्रिंग यूशर तो है वो उठ ही नहीं रहा है या उसको यूज करते ही नहीं आ रहा ठीक है सो फायर एक्सट्रिंग फायर अलार्म फिरते अच्छा ये स्प्रिंकलर्स क्या होता है हाँ, वो पानी पानी आता है जैसे आग लगेगी तो बारिश होने लग जाएगी ठीक है तीसरा अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ये गैस बेस्ड होते हैं तो फिर क्या करते हैं गैस बेस्ड सर गैस बेस्ड क्यों बोल रहे हैं आप आग लग रही है तुम कंप्यूटर में पानी डाल रहे बेवकूफी है कि नहीं भैया गैस बेस्ड होना चाहिए क्या होना चाहिए फिर पानी वाले चलेंगे ही नहीं क्या चलेंगे कंप्यूटर रूम के पूरे बिल्डिंग में हर जगह कंप्यूटर रूम थोड़ी होगा जहां कंप्यूटर रूम नहीं है वहां पानी वाला सस्ता काम कर लो जहां कंप्यूटर रूम है सर्वर रूम है तो वहां पर क्या कर लो भैया गैस बेस्ड यूज कर लीजिए ठीक है तो फायर एक्सटिंग में आप दो बातें और लिख सकते हैं कौन सा वॉटर बेस्ड और गैस बेस्ड गैस बेस्ड मतलब सीओ टू बेस्ड चलो पहले दो पॉइंट

तो फायर अलार्म देखो अगर आपको ये ऐसा नहीं फायर अलार्म शुड बी एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक अलार्म शुड बी इट कोई ऐसा थोड़ी कि वहीं चालू करना है हमको जो याद आया उसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं फायर शुड बी है ना दो टाइप के होते हैं वाटर बेस्ड और एक होता है गैस बेस्ड ठीक है फिर तीसरा उन लोगों के लिए जो धुआं फूकते स्मोक डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स स्मोक डिटेक्टर्स भी होने चाहिए दोस्तों स्मोक डिटेक्टर आप देखते होंगे होटल के रूम में होटल नहीं गया कभी स्मोक डिटेक्टर्स फ्लाइट में देखा फ्लाइट में फ्लाइट में, फ्लाइट में भी होते हैं स्मोक डिटेक्टर हैं? <laughs> नहीं नहीं स्मोक डिटेक्टर्स अरे बहुत जगह दिखते बेटा है ना आगर अब जैसे ही क्या होता है आग लगने के पहले धुआं निकलता है

होना चाहिए ठीक है भैया फिर यार घर में लकड़ियों के रूम बनते न, ल, वैसे बनाओ प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज करो उसके अंदर <laughs> भाई ऐसा करेंगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगी अच्छे देखो ये बोला है, कुछ ऐसे नॉर्म्स यूज करने हैं नॉर्म्स टू बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक रिड्यूसन ऑफ इलेक्ट्रिक फायरिंग कुछ नॉम्स यूज करने बहुत सारे दे रखे हैं कुछ आप सकते देखो कुछ नॉर्म्स कुछ, कुछ ऐसी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी जिससे प्रॉब्लम ना हो ये वाली लाइन समझ में आई क्या है ना देखो नॉर्म्स टू बी नॉर्म टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फायरिंग आप ये लिख सकते हैं कंप्यूटर रूम शुड बी भीली प्लान देखो ये पॉइंट आपको हर जगह मिल रहा होगा तुम बेसमेंट में कंप्यूटर रूम कर दोगे ना तो फिर यार एक तो बेसमेंट में आग बुझाने में भी बहुत ज्यादा क्या होगी दिक्कत आने वाली तो इट शुड बी स्ट्रैटेजिकली प्लान की तो इतना खुला हो ये यहाँ बनाना चाहिए सर्वर रूम आग लगे कि पीछे वहां से वो पार्किंग से कोई भी आएगा फायर ब्रिगेड आएगा आराम से इतनी सारी खिड़कियां आगे पीछे हर जगह से पानी डाल सकते तो जगह सही से क्या करना चाहिए प्लान करना चाहिए सर्वर रूम रखो भी सही जगह मेरे को सबसे अच्छा लगता है उनका अपना अमेजॉन का अमेजोन ने अपना सर्वर रूम बनाया है उन्हें किलोमीटर ऑफ जमीन खरीदी सर्वर रूम बनाया ग्रीन लैंड में एकदम बर्फ में एक तो पावर की बर्फ में बनाया तो बर्फ में बनाया तो सबसे ज्यादा पावर कंजम्शन उनका कम हुआ क्योंकि एसी की जरूरत ही नहीं पड़ी ठंडा रखने के लिए क्या चाहिए होता है एसी चाहिए होता तो है वो एसी की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही क्या होती है आग लगने का एक सबसे बड़ा रीजन वो होता है कि यार वो हीटिंग हो जाता है वो हीटअप हो जाता है आपका लैपटॉप भी देखो ना यार कि एकदम से थोड़ी देर बाद क्या होता है बहुत ज्यादा हीटअप होने लग जाता है लेकिन सर्वर तो कितना हीट होता होगा कितने बड़े बड़े फैन, फैन से काम नहीं चलता वहां ए चाहिए तो भैया एसी एसी जगह लगा दो ना कि जहां पर एसी की जरूरत ही ना पड़े और ऑटोमेटिक टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा क्या हो कम हो तो यही चीज है जी

अलार्म कैसे लगा सकते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल दूसरा क्या करेंगे फायर एक्सट्रिंग तीसरा क्या लगा सकते हैं स्मोक डिटेक्टर चौथा कुछ ऐसे नॉर्म्स यूज कर सकते हैं जिससे कि आग ऑटोमेटिक क्या हो जाए कम हो जाए ये प्लानिंग वाला काम है आपका तो आपको वुड एंड प्लास्टिक का यूज कम करना है स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लान करनी है और फिर फायर प्रूफिंग वगैरह कर सकते हैं फिर उन्हें कहा है कि रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहे दोस्तों ये बहुत ईजी पॉइंट है ना रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहे रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों

पता चला भागने में बहुत दिक्कत हो रही कौन कहां से भाग रहा है डॉक्यूमेंट एंड टेस्टेड प्लान होना चाहिए चीजों का इंस्पेक्शन होना चाहिए चलो समप करते ये क्वेश्चन को और एक कंट्रोल हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या होता है खत्म होता है पहले इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे फिर एनवायरमेंटल कंट्रोल को पूरा रिवाइज करेंगे और एनवायरमेंटल कंट्रोल को साइड में रख देंगे चलिए फायर से रिलेटेड कुछ पहला कंट्रोल बताओ भैया फायर से रिलेटेड पहला कंट्रोल फायर अलार्म अलार्म फायर अलार्म कैसे होने चाहिए बेटा ऑटोमेटिक मैनुअल और एवरीवन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना ऑटोमेटिक मैनुअल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन दूसरा फायर एक्सटिंग्यूशर है नाइ्रिंग यूशर कौन सा यूज कर सकते हैं वाटर भी कर सकते हैं गैस बेस भी कर सकते है इसको भी कहा रखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ठीक है थी तीसरा था स्मोक डिटेक्टर अच्छा एग्जाम में याद नहीं आए तो लिखना है स्मोक डिटेक्टर शुड बी प्लांटेड स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अगर किसी को याद आ जाए अब और बिलो वाली बात तो फिर अब और बिलो वाला पॉइंट भी लिख देना फिर कुछ नॉर्म्स यूज करने कुछ क्या यूज करने हैं नॉर्म्स यूज करने तो नॉर्म्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं प्लान कंप्यूटर रूम एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेस वुड एंड प्लास्टिक शुड बी यूज फायर प्रूफिंग फायर प्रूफिंग ऑफ वॉल सीलिंग्स एंड फ्लोर हम यहाँ पर कर देंगे ठीक है एंड फिर डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड प्लान होना चाहिए एंड टेस्टेड प्लान होना चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए देखो मुझे ना एनवायरमेंटल कंट्रोल में से कुछ आता हुआ दिखता है तो एक यही क्वेश्चन आता हुआ दिखता है पानी वाला या फिर पावर वाला आज तक तो कभी नहीं आए हैं ठीक yes, है दे नेवर आक्स दो क्वेश्चन बट यस दे में आस्क बट चांसेस क्या होते हैं कम होते हैं ओके डन अब एक बार अपन पूरा बोल देंगे हम पढ़ रहे थे एवरीवन एक बार रिवाइजन ऑन बेसिस ऑफ आई एस रिसोर्सेस तो फिर क्या था फिजिकल लॉजिकल एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल में आग से बचाएं पावर से बचाएंगे डस्ट से बचाएंगे पानी से बचाने के लिए वॉटर प्रूफिंग वॉटर प्रूफिंग किसकी तीसरा था वाटर लीकेज अलार्म अलार्म एंड का होना चाहिए वॉटर लोकेशन पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम और इन फ्लड एरिया अवॉइड बॉटम एंड द टॉप फ्लोर प्लांट समवेयर इन दी मिडिल ठीक है फिर पावर से बचाएंगे दोस्तों पावर चला जाएगा यूपीएस जनरेटर इनकेस पावर फेलियर पावर में स्पाइक आएगा सर्च प्रोटेक्टर पावर कम ज्यादा होगा एंड इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच वोल्टेज रेगुलेटर के साथ में एक और ठीक है ये बात हो इसके बात, हम कर दो ईटेबल शुड नॉट बी अलाउड इन द रूम्स एंड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा फायर से रिलेटेड कंट्रोल फायर अलार्म फायर एक्सटिंग स्मोक डिटेक्टर्स नॉर्म्स डॉक्यूमेंट एंडस्टेड प्लान एंड रेगुलर इंस्पेक्शन ठीक है अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस का कोई मतलब बताएगा मुझको देखो कोई वहां लिख के रखना हिंदी में लिख के रखना शुद्ध हिंदी कोई इंटरनेट की दुनिया से आकर हमारे रिसोर्सेस को तो हार्म ना दे इसके लिए हम क्या लगाते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लिखना कोई इंटरनेट की दुनिया से आकर हमारे रिसोर्सेस को हार्म ना पहुंचा दे कोई इंटरनेट की दुनिया से आके हमारे रिसोर्सेस को हार्म ना पहुंचा दे फॉर दैट वी यूज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लिखने रहे आप फॉर दैट यूज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अच्छा एक्सेस मतलब क्या होता है मीनिंग ऑफ एक्सेस अच्छा आपके मोबाइल को किसको एक्सेस दोगे आप? आपका मोबाइल कौन यूज करेगा आप ही यूज करेंगे या आप जिन लोगों को चाहोगे उन्हीं को क्या दोगे अपने मोबाइल की एक्सेस दोगे आपका लैपटॉप कौन यूज कर सकता है आप यूज कर सकते हो या आप जिनको एक्सेस देंगे वही क्या कर सकता है यूज कर सकता है बाकी अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो उसको एक्सेस डिनाइड लिखा है

ओनली ऑथोराइज पर्सन ही क्या करना चाहिए एक्सेस करना चाहिए ठीक है। है अब बात ये है कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल समझा तो दूंगा लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की दुनिया में रिस्क क्या हो सकती है देखो पानी की रिस्क से सबको पता थी कि पानी से क्या हो सकता है चीजें खराब हो सकती है आग से चीजें क्या हो सकती है खराब हो सकती है लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आप लोगों के साथ क्या हो सकता है जब तक हम रिस्क नहीं समझेंगे तो क्या हम कंट्रोल समझ पाएंगे क्या नहीं तो पहले हम क्या करते हैं रिस्क उसको बोलते हैं टेक्निकल रिस्क क्या कहते हैं टेक्निक ये क्वेश्चन मॉड्यूल में किसी और चैप्टर में दिया है मैं आपको कहां पढ़ाने वाला हूं यहां पर पढ़ाने वाला तो। यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले टेक्निकल रिस्क आप लोगों ने सुना होगा हैकर हैकिंग वायरस वायरस ऐसे अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज है ना ऐसे ही अपन बहुत सारी बातें करेंगे टेक्निकल रिस्क बोलते हैं बेटा ये रहेगा आप वहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में ये जो टेक्निकल रिस्क वाला क्वेश्चन है ना टेक्निकल रिस्क वाला क्वेश्चन जो है इट इज गिवन अंडर चैप्टर वन चैप्टर वन पहले ये थ्री में था फिर पता नहीं किसने उठा के कि इसको कहाँ डाल दिया चैप्टर वन में डाल दिया क्यों ऐसा ऐसा इसलिए करते क्योंकि ना हर पेज को चेंज करने के उनको पैसे मिलते हैं और वो कुछ भी चेंज कर देते हैं आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड पुटिंग दिस क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर वन ये और जहां रॉन बेवर की बुक है पूरी बुक ही वहां से बनी हुई है इट इज ऑल गिवन इन चैप्टर नंबर थ्री ओनली उसके बाद ही उन्हें कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था सिर्फ ये एक अटेम्प्ट पहले ऐसा हुआ है एक अटेम्प्ट के पहले तक वो चीज चैप्टर नंबर थर्ड में ही थी टेक्निकल रिस्क अच्छा आप लोगों ने तो दो ही रिस्क सुने की वायरस है ना हैकिंग इसके अलावा भी तो क्या होती है रिस्क होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहली रिस्क जो ऑनलाइन दुनिया में है सबसे पहली रिस्क जो ऑनलाइन दुनिया में है वो है आपको कोई स्पूफ कर सकता है स्पूफिंग कभी नाम सुना है आपने स्पूफिंग यस किसने कहा हां यस एनी वन इन द्लास स्पूफिंग कोई बता सकता है स्पूफिंग वट इज स्पूफिंग हाँ कॉपी करना एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्पूफ का मतलब होता है सिंपल सा मतलब है ना सूफ का मतलब होता है बेवकूफ बनाना क्या करना बेवकूफ बनाना लिख के रखो वहां पर स्पूफ का मतलब क्या होता है बेवकूफ बनाना मैं मॉड्यूल की लैंग्वेज भी लिखाऊंगा ऐसा नहीं है अपन पूरी मॉड्यूल की लैंग्वेज समझेंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इट इज कहां लिखा रहेगा मॉड्यूल में लिखा रहेगा बस उसके लिए मुझे चैप्टर वन पे जाना पड़ेगा बट अभी आप ये पॉइंट लिख करके बेवकूफ बनाना यहाँ पर बेवकूफ कैसे बनाया जाता है देखो कभी कभी है ना आप लोगों को स्पूफ मैसेजेस आते होंगे हम बैंक से बोल बोल रहे हैं आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या कर देंगे ब्लॉक कर देंगे अगर आपने ना अपना ये पिन नहीं दिया और या डेबिट कार्ड नंबर और पिन नहीं देते तो आपका डेबिट कार्ड एक बारह घंटे के अंदर हम क्या करने वाले हैं ब्लॉक करने वाले इसको क्या कहते हैं स्पूफ क्या कर रहे हैं किसी और की आइडेंटिटी यूज करके क्या बोल रहा हूं मैं किसी और की आइडेंटिटी यूज करके किसी को क्या करना बेवकूफ बनाना बहुत बार हम अपनी दुनिया में भी ऐसा करते हैं किसी को फोन कॉल करेंगे और किसी और की आवाज में क्या करेंगे बात करेंगे और सामने वाले को क्या करेंगे स्पूफ करने की कोशिश करेंगे कभी कभी आप भी अपने दोस्त के मोबाइल से किसी और से चैट कर लेते तो इसका मतलब वो सामने वाले को आप क्या कर रहे हो? कर रहे रहे हो हो स्पूफ दैट इज इज कॉल्ड स्पूफिंग स्पूफिंग तो spoofing के मैंने आपको बहुत सारे क्या दिए हैं एग्जाम हमारे मॉड्यूल में है ना स्पूफिंग का मतलब क्या दिया मैं आपको बताता हूँ इस स्पूफिंग में एक नकली वेबसाइट बनाई जाती है क्या बनाई जाती है फेक वेबसाइट क्या बनाई जाती है फेक वेबसाइट बनाई फेक वेबसाइट मतलब क्या जैसे अगर ये आईसीआई का सर्वर है और आईसीआई के सर्वर में किसकी वेबसाइट है आईसीआई की वेबसाइट है एक, क्या करेगा, एक दोस्तों इमर्सनेट क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं इम्पर्सनेट करेगा कॉपी करेगा के जैसे दिखने वाली साइट बनाएगा जैसे आईसीए इंडिया अब ये आईसीआई डॉट ओ आरजी वो क्या बना देगा ICI India .org. अब ये फेक वेबसाइट इसका सारा कलर कॉम्बिनेशन लोगो वोगो सब क्या रहेंगे सेम रहेंगे अब आप गूगल पे जाते हो आईसीआई डालते हो अब एकदम से देखते हो आईसीआई लोगों को क्या लगता है आईसीआई ठीक है लेकिन आईसीआई इंडिया ज्यादा ज्यादा बेटर है अब वो कहां गए आईसीआई इंडिया पे गए आईसीआई इंडिया पे गए अपने और एक्चुअली आईसीआई का ऐसा हुआ भी है आईसीआई के नाम से लोगों ने क्या बना दी थी फेक वेबसाइट बना दी थी फाउंडेशन की बात है सॉरी बच्चों ने क्या किया आईसीआई इंडिया पर जाकर क्या करवा लिया रजिस्ट्रेशन करवा लिया दे वर वेटिंग फॉर दी वो अपने रजिस्ट्रेशन की पूरे उसके बाद मॉड्यूल्स वगैरह का बट दे गेट इट और वो पैसा किसके पास चला गया अनऑथोराइज पर्सन की मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी वो नहीं आया आपके पास आप चलेगा आप सोचते हैं वो सोच है सिस्टम हैक करेगा और क्या कर लेगा आपसे इंफॉर्मेशन लेगा आपने खुद क्या कर दिया

एच डी एफ सी बैंक की ओरिजिनल साइट है एच डी एफ सी डॉट ओवर जी आई डोंट नो बट एच डी एफ सी डॉट कॉम होगा जो भी होगा ठीक है और मैंने एक साइट बनाई एच डी सी एफ डॉट कॉम के नाम से और चाचू को एक मेल भेजा कि भैया आपको हम क्या दे रहे हैं एक ऑफर दे रहे हैं अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं या नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट पे ट्वेंटी परसेंट क्या मिलेगा ऑफ चाचू उस लिंक पर क्या करते हैं क्लिंक करते हैं वो लिंक करके पूरा कलर कॉम्बिनेशन किसके जैसा मतलब शर्मा जाए बोले उससे अच्छी तो साइट कौन सी दिख रही है ये HDCF दिख रही है तो अब चाचू ने क्या किया वहां यूजर आई डी पासवर्ड पर अपना यूजर डाला और पासवर्ड डाला यूजर आई डी डाला पासवर्ड डाला एच डी एफ सी की साइट खुलेगी क्या नहीं तो उनका पासवर्ड किसके पास आ जाएगा अनऑथोराइज पर्सन के पास ऐसा एच डी एफ सी के साथ भी होता रहता है ऐसा फेसबुक के साथ भी होता है फेसबुक की भी क्या बन जाती है स्पूफ साइट क्या बन जाती है एक ऐसी जो कि क्या करते हैं सिमिलर इन नेचर सिमिलर इन कलर कॉम्बिनेशन सिमिलर इन कंटेंट होती है बट उसका काम होता है लोगों को बेवकूफ बनाना स्पूफ करना ऐसा रियल वर्ल्ड में बहुत होता है और कंप्यूटर की दुनिया की बात करें तो नकली नोट भी बनते हैं देखो तो तो हम लोगों को क्या बना रहे हैं नकली नोट देके बेवकूफ बना रहे हैं तो वैसे यहां पर फेक वेबसाइट बनाकर क्या किया जाता है बेवकूफ बनाया जाता है आई बात समझ में चाचू को ने निखिल सर तो देखो आपको नहीं पता निखिल सर को चाचू बोलते hey, huh? बट बोलते, uh, बोलते हैं <laughs> वो आपको पता करना पड़ेगा निखिल सर से hey, सर आपको ऐसा क्यों बोलते वो निखिल सर बताएंगे आपको चलिए बेटा फर्स्ट पॉइंट कौन सा था एवरीवन ऑनलाइन दुनिया में कोई क्या कर सकता है आपको Spoof. अच्छा, स्पूफिंग में फेक वेबसाइट बनाई जाती है नकली वेबसाइट बनाई जाती है नकली क्या using the word? कौन सी बोल रहा हूं उसका वेबसाइट एड्रेस सोर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है तो यहां पर अनऑथोराइज पर्सन यूज फेक वेबसाइट फेक वेबसाइट याद रखिएगा ये तो बहुत इजी है यार कितना आ, कितना इजी अटैक है आप किसी के सिस्टम में घुस नहीं सकते लेकिन उसको अपने पास बुलाकर क्या कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन ऑप्टेन भी कर सकते हैं इसका, इसका, इसका आप जब भी किसी साइट पर जा रहे हो तो आप जैसे कर आपको दिखाता हूं जैसे अगर आप एच uh, डी की साइट पर जाओगे एच डी एफ सी बैंक डॉट कॉम तो देखो एक लॉक बना आएगा जहां पर मैंने लिखा है एच डी एफ सी बैंक तो वहां पर क्या लिखा आएगा दोस्तों एक लॉक बना हुआ आया है सबसे ऊपर ब्राउजर में देखना दिखा नहीं दिखा ब्राउजर में आप देखे उसको एक लॉक बन जाता है वो लॉक पे जाते तो वो साइट क्या होती है सिक्योर होती है नहीं दिखा आपको अब यार वो हाँ वो ऊपर चला गया सॉरी वो स्क्रीन थोड़ी सी वहां जा रही है रुको मैं आपको दिखाता हूँ आई सी एक, एक और एक, एक फेक वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ आई टेस्ट सीरीज़ ये लगता ऐसा है, है कि आईसीआई ने अपनी टेस्ट सीरीज क्या करी है लॉन्च करी है लेकिन यह फेक वेबसाइट है आईसीआई को यह क्या कर रही है वेबसाइट स्पूफ कर रही है जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको टेस्ट सीरीज नहीं मिलती उसके पैसे दोस्तों गए आप बहुत सारी साइट खोलते होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं लिखा होता होगा नॉट सिक्योर कभी देखा है क्या आपने है ना वो नॉट सिक्योर तो वो वाली साइट पे बच के रहना वो वाली साइट पे अपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दोगे ना दोस्तों तो दिक्कत आएगी आईसीआई ने एक बार रिलीज एक अपना नोटिफिकेशन रिलीज करके बोला भी था कि भैया हमारे नाम से क्या बनी है आप पढ़ा तो रहे हो स्पूफिंग लेकिन हमारे नाम से फेक वेबसाइट बन गई फाउंडेशन के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया ध्यान भी दो रखना चाहिए कंट्रोल क्या होता है इस पर कंट्रोल क्या होता है बताए सिंपल सा कंट्रोल है जैसे मुझे नाटा का कुछ देखना है क्योंकि कुछ कोई किसी ने क्लास खोली और नाटा के जैसी क्या बना ली वेबसाइट कुछ नहीं करना है आपको गूगल पे जाके नाटा नाटा एकेडमी टा, टाइप करके देखो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी इंदौर अगर नाटा की वेबसाइट के अलावा अगर कोई और वेबसाइट आ रही होगी तो फिर मैं उस वेबसाइट की क्या करूंगा कंप्लेन करूंगा है ना कि भैया अब, अब मेरे को ये पता करना पड़ेगा जैसे मुझे पता है कि ये ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर अगर तीन चार अगर नाटा प्रोफेशनल एकेडमी आ रहा होता तो फिर क्या हो जाती दिक्कत आती तो फिर मैं उसको क्या करता उसके अगेंस्ट सेक्शन लेता ये हमारी वेबसाइट है तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है लेकिन अगर इसके जैसे सिमिलर नाम की वेबसाइट मिल जाए तो फिर टेंशन लेने की जरूरत होती है कंट्रोल कुछ नहीं है आप ब्राउजर पे ही क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और अगर अगर सिमिलर नेचर की तो उसको बंद भी करवाया जा सकता है लोग लो दुनिया में अपनी देखते ही हो फेक टेलीग्राम ग्रुप्स बन जाते हैं है ना? तो वहां लिख सकते सब चीजें होती है जिससे कि क्या होता है अब मान लो कि Uh, uh, किसी टीचर का फेक क्या बना दिया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया या फिर बहुत बार फेक प्रोफाइल बना देते हैं कोई इंसान के नाम से क्या कर दी फेक प्रोफाइल बन दी और उसके नाम से क्या करने लग गए और अभी बीच बीच में ऐसा बहुत हो रहा था वो पैसे भी मांगने लग जाते हैं उल्टा है ना कि भैया और पैसों की बहुत जरूरत है ऐसा हो गया आप लोग को पैसे की जरूरत है सर पैसे मांग रहे दे दो तो ऐसा स्पूफ किया जाता है ऑनलाइन दुनिया में इन चीजों से बच के रहिएगा दोस्तों ना स्पूफिंग का मतलब क्या होता है फेक वेबसाइट यहां पर क्या करते हैं इंपरसनेट करते हैं व्हाट इज द मोटिव गाइस क्यों करते हैं टू ऑपटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑपटेन इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन जब चैप्टर वन आएगा तब तो अपन पढ़ेंगे ही सही इसको लेकिन अभी हम एक चीज यहां पर सीख के रख रहे हैं कि भैया ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है ताकि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ज्यादा अच्छे से आपको क्या हो समझ में स्पूफिंग का मतलब बेटा क्या क्रिएट करते हैं बहुत से फेक वेबसाइट है ना फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टेन यूजर आई डी पासवर्ड ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है ऑनलाइन दुनिया में वो हो सकती है मालवेर की मालवेर कोई जानते मालवेयर क्या होता है एनीवन इन नी क्लास एनीवन इन दी क्लास फ्रॉम द बैक साइड मालवेयर किसको कहते हैं मालवेयर किसको कहते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर ओके मालवेयर दो वर्ड से मिलके बना है एक तो है माल और एक है वेयर माल का मतलब मालिशियस मालिशियस बेटा गलत ना सोचे और वेयर का मतलब क्या है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर माल वेर मालिशियस सॉफ्टवेयर हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे वायरस एक टाइप का क्या है मालवेयर है ठीक है सो सर व्हाट इज मालिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो बुरा काम करते हैं जनरली सॉफ्टवेयर को किसी अच्छे काम के लिए बनाया जाता है कुछ काम करने के लिए बनाया जाता है बट जो बैड एक्टिविटी परफॉर्म करे वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं मालवेयर तो एनी सॉफ्टवेयर दैट आर मेड विथ रॉन्ग इंटेंशन आर कॉल्ड एस मालवेयर जिनका इंटेंशन क्या है गलत सर इंटेंशन गलत क्या हो सकता है आपका डेटा चुरा लेंगे आपका डेटा डिलीट कर देंगे आपका पासवर्ड चुरा लेंगे आपके पूरे आपके पूरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन क्या कर लेंगे ऑप्टेन कर लेंगे आपका कंप्यूटर खराब कर देंगे आपके हार्डवेयर डैमेज कर देंगे मतलब मालवेयर जो होते हैं ना आपको सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं आपके हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं कोई मुझे बता सकता है कि मालवेयर हार्डवेयर को कैसे डैमेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को तो समझ में आया डेटा को तो समझ में आता है लेकिन क्या मालवेयर हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं हाँ ओवर हीट कर दिया मान लो कि जो फैन है फैन एक सॉफ्टवेयर से वर्क करता होगा वो फैन का सॉफ्टवेयर ही क्या कर दिया करेक्ट कर दिया तो फैन घूमना ही बंद हो गया आपके पीसी का आपके लैपटॉप का जब आपका पीसी का फैन लैपटॉप का घूमना बंद हो जाएगा तो ओवर हीट होगा ओवर हीट होगा तो आपको लैपटॉप क्या हो सकता है खराब हो सकता है सो मालवेयर मालवेयर ये जो होते हैं आपके हार्डवेयर को भी खराब करता है तो एनी सॉफ्टवेयर आर मेड रॉन्ग इंटेंशन इन ऑर्डर टू करप्ट करप्टअर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा इज कॉल्ड एस मालवेयर एंड बट आपको मालवेयर तीन के दे रखे आपको तीन के दे रखे बहुत सारे टाइप के होते लेकिन आपको के दे हैं तो है। लेकिन हर, हर का 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 क्या होता है अलग होता है मर्डर करने वाला भी बुरा है चोरी करने वाला है। लेकिन उनका काम अलग है उनका काम अलग है सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं काम करते तो जो ये मालवेयर होते हैं सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं काम करते हैं अलग अलग तरीके से गलत काम करते हैं

ट्रोजन तीसरा है वोम तीसरा है वोम जी ट्रोजन एन ट्रोजन और तीसरा है दोस्तों क्या वॉम बट अपन क्या पढ़ रहे हैं एवरीवन हम लोग क्या चालू रहे हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एवरी पीछे वालों क्या चालू कर रहे है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लेकिन कंट्रोल पता होने से पहले क्या पता होना चाहिए रिस्क पता होना चाहिए तो रिस्क ऑनलाइन दुनिया में क्या कर सकता है कोई आपको क्या कर सकता है स्पूफ फेक वेबसाइट बनाकर क्या कर सकता है बेवकूफ बना सकता है दूसरा मालवेयर हो सकते हैं मालवेयर यानी बुरे काम करने वाले सॉफ्टवेयर दे कैन टेक योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डेबिट कार्ड इनफॉर्मेशन योर फोटोज योर योर दे कैन करप्ट हार्डवेयर करप्ट योर सॉफ्टवेयर सबके काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं एंड सबसे पहला हमको जो पढ़ना है वो है बॉम्ब बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ मालवेयर जो प्लांट किया जाता है बॉम्ब को क्या किया जाता है दोस्तों प्लांट किया जाता है बम अपनी दुनिया में फिजिकल नहीं ब्लोंड बम बा, क्या होता है रखते ना तो वैसे इसको प्लांट करते इसको कोई ना कोई रखेगा इस वायरस को कोई ना कोई रखेगा एंड रखने वाला पर्सन कौन होगा पता है रखने वाला पर्सन कौन होगा पता है नहीं नहीं टेररिस्ट है <laughs> रखने वाला पर्सन कौन होगा पता है इनसाइडर इनसाइडर मतलब कोई अंदर का आदमी आस्तिन का सांप या फिर वेंडर बॉम्ब को प्लांट किया जाता है दोस्तों बॉम्ब को क्या किया जाता है प्लांट किया जाता है प्लांट कौन करता है और वेंडर सर दुकानदार को प्लांट करेगा दुकानदार क्यों करेगा हाँ देखो एक एक तो क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर खराब करेंगे आपको सॉफ्टवेयर खराब होगा तो आप उसको फोन करोगे फोन करोगे तो क्या होगा वो पैसे मांगेगा सर्विस चार्ज वगैरह लेगा आपसे तो ये लोग क्या करते हैं अगर आप किसी जगह ऑडिट करने गए और आपको पता कि उनका सॉफ्टवेयर बार बार क्या हो रहा है करप्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ उनने ऐसा किया है कुछ ऐसा बॉम्ब प्लांट किया है कि यार भैया ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीज होने पर या इतना डेटा होने पर वो बॉम्ब एक्टिवेट होता है

देखो एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल अच्छा वेंडर चूज करना भी तो क्या होता है एक कंट्रोल होता है इसलिए आप याद रखिएगा अगर बार बार सॉफ्टवेयर खराब हो रहे हैं तो हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर में क्या हो बॉम्ब हो जनरली ना बॉम्ब का यूज देखो आपने देखा फोर्टीन डेज फ्री ट्रायल लिखा आता है सॉफ्टवेयर पे तो वेंडर अच्छे काम के लिए भी यूज करता है क्योंकि बेचारे को पेमेंट नहीं किया तो चौदह दिन बाद क्या होगा वो बॉम्ब फटेगा और बॉम्ब फटेगा और सॉफ्टवेयर क्या होगा काम करना बंद कर देगा लेकिन जिसने पैसे दिए हैं उसके साथ ऐसा होगा तो फिर तो क्या है ये चीज गलत है तो बॉम का यूज बेसिकली अपन करते हैं आ, आ, ताकि कुछ आ, हमको सॉफ्टवेयर का यूज करवाना किसी को बंद करना है तो लेकिन अगर ऑथोराइज पर्सन को बंद करवाना करेगे तो फिर तो ये काम क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अच्छा बॉम किसी ना किसी दिन ट्रिगर होगा बॉम क्या होता है दोस्तों देखो बॉम इज अ पीस ऑफ अ बैड कोड एवरीवन मेरे साथ रिपीट करेंगे बॉम इज अ पीस ऑफ अ बैड कोड हु प्लांट्स इट एवरीवन हु प्लांट्स इट

अगर ये खराब ठीक नहीं किया तो मेरे क्लाइंट को तो क्या हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं तो ले पैसा तू तो, तो कर ठीक तो दे डू इट लाइक दिस तो ऑलवेज चूज गुड वेंडर बट यस इट इज वेरी हार्ड आप ऑडिट पढ़ोगे ना तो ऑडिट पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता बताएगी कि जो फ्रॉड इनसाइडर करते हैं यार देखो कोई बाहर से आएगा और आपके साथ गलत करके चले जाएगा तो so चलो ठीक है लेकिन आपका दोस्त आपका दोस्त आपके साथ गलत कर रहा है जिसको आप जिगरी मानते हो जो आपका बेस्ट जो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको चीट कर रहा है तो ये पता करना भी थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है डिफिकल्ट सो बॉम्ब इज अ पीस ऑफ बैट कोड दैट इज प्लांटेड बाय इनसाइडर साइडर और दि वेंडर जो कि क्या होगा ट्रिगर होगा फटेगा फटेगा और फटने के बाद पूरा काम करेगा देखो मैं आपको बताता तो हूं ये चीज कहां दे रखी है ये बेटा uh, देखना मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने पढ़ा है उसको मैं कैसे पढ़ाता देखो पढ़ाया मैंने जैसे आपको अभी तो पढ़ाया तो तो के बारे में क्या बोला मैंने आपको अभी बॉम is a piece of a bad code. मतलब हम बाहर का तो वर्ड याद रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम साथ में क्या याद रख रहे हैं कौन प्लांट करता है और कौन प्लांट कर... अब ये फटेगा फटेगा क्या फटेगा

नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉम नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉम वॉम इज अ बैड कोड ये कोई ना ऐसे बुरा काम नहीं करते कुछ ऐसा डेटा नहीं चुराते कोई डेटा नहीं उड़ाते कुछ ऐसा ज़्यादा मतलब ज्यादा कुछ गंदा काम नहीं करते बस अपनी तादाद बढ़ाते रहते मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते इनको मल्टीप्लाई होने की बहुत इच्छा रहती अगर ये एक फाइल में आएंगे तो पास वाली फाइल में फिर उसके पास वाले फाइल में पूरे फोल्डर में पूरी ड्राइव में मेल भेजोगे मेल में चुपक जाएंगे सामने वाले के कंप्यूटर में सामने वाले के कंप्यूटर में हर जगह फैलेंगे दुनिया में फैलना है इनका काम क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई होना मल्टीप्लाई होना इनका काम क्या होता है मल्टीप्लाई होना है सी और सर मल्टीप्लाई होने से क्या दिक्कत होगी एनी वन मल्टीप्लाई होने से क्या दिक्कत होगी

मू पे होते तो वही वॉर्म होते वॉर्म स्टैंड अलोन होते हैं क्या होते हैं स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन बैड सॉफ्टवेयर अच्छा मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसको ढूंढना काफी आसान है बॉम्ब की वॉर्म वॉर्म क्योंकि ये स्टैंड अलोन है इनको ढूंढने में तो दिक्कत नहीं आएगी ठीक है बॉम्ब को ढूंढने में क्या हो सकती है दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये छुपाया हुआ होता है और एक अपना वाला छुपाएगा तो दोस्तों फिर और ज्यादा क्या होगी दिक्कत आ सकती है आई बात समझ में ठीक है ये मैंने आपको टेक्निकल रिस्क बताई पे कहावरी वन एवरी वन क्या बनाते हैं फेक वेबसाइट जरा आईडी पासवर्ड ऑप्टेन कर लेते हैं बॉम्ब के अंदर मालवेयर मालवेयर अच्छा मालवेयर टर्म दिया नहीं है मॉड्यूल में लेकिन मालवेयर उन्हें बॉम्ब दिया है लेकिन बॉम कैसे समझाऊं मैं पहले तो आपको मैंने बताया मालवेयर है ये सब पूरा काम करते हैं बॉम्ब कैसे काम करता है छुप के और बॉम कैसे काम करता है खुल्ला काम करते हैं नो डर अब होता है ट्रोजन अच्छा ट्रोजन ट्रोजन भी छुपे हुए होते हैं ट्रोजन भी क्या होते हैं छुपे हुए होते हैं हिडन होते हैं इनको कोई होस्ट की जरूरत होती है ऑलवेज रिक्वायर्ड होस्ट ऑलवेज होस्ट की जरूरत होगी सर ये तो बॉम के जैसे हो गए सुनना बॉम्ब कौन प्लांट करता है एवरीवन और वेंडर और ये ट्रोजन कोई भी एनीवन एनीवन मतलब अगर ट्रोजन को कहीं रखना है तो कोई ना कोई फाइल चाहिए रहेगी जैसे ईमेल फाइल चाहिए रहेगी सॉन्ग की फाइल चाहिए रहेगी वीडियो की फाइल रखेगा कौन कोई भी रख सकता है एनीवन रख सकता है ना तो ट्रोजन भी एक बैड कोड होता है बैट कोड होता है ऑलवेज रिक्वायर्ड अ होस्ट उसको देखा गया है अब ये ट्रोजन है ना छुप ये ऐसा लगता है कि किसी ध्यान से सुनना मेरे वर्ड ध्यान से सुनना जब भी, भी ये ट्रोजन पता नहीं चलते उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती ऐसा लगता है ये ओरिजिनल या जेन्यून सोर्स से आए हैं लेकिन एक्चुअली में ये है ना इनके इंटेंशन सही नहीं होते जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंस्टाग्राम पर एक पीडीएफ no, भेजी, हुई आपके फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना बैकग्राउंड में चालू हो जाएगी आप जो जो अपने फोन में करते हो उसको मैं बैठकर एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों ठीक है सो ये दिखेगा ऐसा

मैं बहुत टाइम पहले देखी थी एक रानी रहती है और एक राजकुमार रहता है रानी किसी और सल्तनत की रहती है राजकुमार किसी और सल्तनत का रहता है ट्रॉय का शहजादा और लाइक रानी जो थी वो कहां की थी ग्रीस की थी शायद है ना रानी जो थी वो कहां की थी ग्रीस की अब दोनों को प्यार हो जाता है किसको वहां के राजकुमार को और यहाँ की रानी अब यहाँ की रानी भाग जाती है किसके साथ उसके साथ ट्रॉय में ग्रीस के राजा को आता है गुस्सा

या फिर ऐसा होता नहीं था पहले कि यार रात को अटैक नहीं होते टाइम के बाद फॉर नहीं हो सकता बट उन्हें फ्रॉड किया ग्रीस वाले भागने लगे भागने लगे और एक उन ग्रीस के जो गॉड होते हैं उसमें जो हॉर्स उनको हॉर्स को गॉड की दर्जा दिया गया है उसमें तो एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट एक हॉर्स बनाते हैं ना और उसमें कुछ सोल्जर्स जो कि किसके होते हैं ग्रीस के होते हैं वो छुपकर बैठ जाते हैं उस पूरे मॉन्यूमेंट के अंदर छुपकर बैठ गए अब सुबह आके ट्रॉय वाले वाले देखते हैं कि ग्रीस वाले तो भाग गए। इनके गौड, इनके गॉड 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 को को अंदर ले जाओ, अपन सबके रात होती है वो घोड़ा पूरा मॉन्यूमेंट खोलते है, ग्रीस वाले लोग निकलते है और वो रात में पूरे ट्रॉय को क्या कर देते हैं जला कर देते हैं तो यहीं से आया छुपावा होता है क्या होता है छुपा हुआ किसी को कहीं छुपने की क्या होती है जरूरत होती है कौन करता है कोई भी कर सकता है ठीक है दैट इज इज ट्रोजन ये काम काम क्या करेंगे बुरा देखो तो 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 बुरा देखो दोस्तों कुछ भी हो सकता है डेटा चुरा लेंगे डेटा डिलीट कर देंगे पासवर्ड चुरा लेंगे दे कैन डू एनीथिंग लेकिन काम करने का तरीका क्या हुआ छुप कर बॉम का खुल्लम खुल्ला बॉम का बॉम का यार ये भी छुपते हैं लेकिन कौन प्लांट करता है इनसाइडर या फिर वेंडर ठीक है यहां तक एक बार रिपीट करेंगे एंड अप करेंगे आज का ठीक है यहां तक अपन फटाफट फड़ से शुरुआत से लेकर यहां तक बोल दीजिए कॉपी सब बंद कॉपी ऑपीस सब बंद कॉपी सब बंद चलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर के तीन पार्ट कंपोनेंट कंट्रोल और ऑडिट वी हैव स्टार्टेड विथ कंट्रोल है ना कंट्रोल एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस दई एस रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन यू स्टार्टेड विद आई एस रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क ठीक है सो so, इनको रिस्क है इनको रिस्क कोई कैसे आ सकता है फिजिकल लॉजिकल एनवायरमेंटल वी हैव स्टार्टेड विथ एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल में आग से बचाएंगे पानी से बचाएंगे पावर से बचाएंगे डस्ट से बचाएंगे पानी से बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग किसकी सीलिंग्स की वॉल्स की फ्लोर की अलार्म एंड अलार्म शुड बी एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन और पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम एंड इन फ्लड एरिया अवॉइड बॉटम एंड दी टॉप फ्लोर ठीक है पानी का खत्म हो गया जो जो क्वेश्चन ऐसे याद आ जाए उसको कभी मॉड्यूल खोल के देखने की जरूरत नहीं बच्चों की आदत होती मालूम है हर बार जब पढ़ना चालू करते पहले पेज से पढ़ना चालू करते फिर दो दो तीन पेज तक पहुँचते चार पांच पेज तक पहुंचते गाने सुनने लग लग जाते इससे बात करने गए पढ़ाई का ब्रेक दिया फिर फिर आएंगे दो चार दिन बाद से से शुरू पढ़ना चालू करते तो भैया तुम वहीं अटकते रह जाओगे हमेशा जो क्वेश्चन आ गए अपने माइंड को बताओ पहले कि हमको कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा क्वेश्चन नहीं आया जो क्वेश्चन नहीं आया उस पर ही क्या करेंगे वर्क करेंगे दूसरा दूसरा बचाया था हमने पावर से एवरीवन पावर चला जाएगा जनरेटर है ना पावर में स्पाइक आएगा सर्च प्रोटेक्टर पावर कम ज्यादा होगा वोल्टेज रेगुलेटर और सर्किट ब्रेकर और इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच फिर फायर रिलेटेड कंट्रोल फायर अलार्म फायर स्मोक डिटेक्टर्स नॉर्म्स हमको ऐसे यूज करने रेगुलर uh, इंस्पेक्शन करना है एंड डॉक्यूमेंट एंड टेस्टेड प्लान होना चाहिए डस्ट से बचाने के लिए तो सिंपल डस्टिंग करो क्लीनिंग करो एंड इटेबल शुड नॉट बी अलाउड

कौन सा ऐसा मालवेर होता है ढूंढना आसान है, ठीक है अगर में आपको का, उसमें यही लिखा है मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं ढूंढना क्या होता है आसान आपको अंदर का भी याद रहेगा आपको अंदर का भी क्या रहेगा दोस्तों वो तो चैप्टर बनाएगा जब अपन पढ़ेंगे और ट्रोजन ट्रोजन भी छुपे हुए होते हैं देड अ होस्ट दे के नॉट Uh, वो बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते जैसे कोरोना वायरस उसको भी क्या चाहिए एक ह्यूमन बॉडी चाहिए बाहर ज्यादा तक अस्तित्व में नहीं रह सकता कौन करता है एनी करते और ये बुरा काम कुछ भी कर सकता है ठीक है यहाँ तक हम देखते हैं आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे थैंक यू गुड है